नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। निर्मल सिंह ने कहा कि भाजपा ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, लेकिन आज देश में जो हालात है उसे देखकर साफ है कि इस बार भाजपा होंदे मुंह गिरेगी। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के प्रचार से पता चल रहा है कि जनता बदलाव के मूड में है। हरियाणा में भी सभी सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर डोर टू डोर जाकर भाजपा सरकार की पोल खोलने का काम कर रहा है। निर्मल सिंह का जींद हाउस रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निर्मल सिंह ने कहा कि हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों से अवगत करवाएं और उन्हें पार्टी के साथ जोड़े। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा ने जैसे 400 पार का नारा दिया था, हरियाणा में भी उसने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन हरियाणा की जनता ने उसे 40 सीटों पर समेटते हुए सत्ता से बाहर कर दिया था, पर भाजपा ने बैसाखियों के सहारे सरकार बना ली। केंद्र सरकार को कोसते हुए निर्मल सिंह ने कहा कि भाजपा ने चुनावों में वायदा किया था कि 15-15 लाख गरीबों के खाते में डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, MSP लागू करेंगे, गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भाजपा सभी वायदों से भाग गई। आज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर देश में नशा और अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इस सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस एक बहुत ही पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान है, जिसके तहत सभी कांग्रेस के साथी इकट्ठे होके हर गांव गली बूथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस का मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जब हम जा रहे हैं तो हमें लोगों की भी सुनने को पता चल रही है और एहसास हो रहा है कि जनता कितनी दुखी है, चाहे दुकानदार हो, चाहे घर में बैठी महिला हो, चाहे सड़क पर एक बेरोजगार युवा हो, हर कोई आज यही बात कर रहा है कि वो भाजपा को हटा के फेंक दें। देखिए, हम यही कहेंगे कि भाजपा के राज के अंदर अपराध में हरियाणा देश का नंबर वन प्रदेश बन गया है। सरकारी सर्वे ने खुद बताया था कि किस तरह से हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित स्टेट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा अंडर एज शूटर मिलते हैं, सबसे ज्यादा रेप के और मर्डर और किडनैपिंग के केस होते हैं। और आज एक बार फिर जो है करनाल के पास 2 बच्चियां और एक युवा को, जो कि आई थिंक बाहर से आया था इंडिया घूमने, उसे वापस जाना था, उसे अगवा कर लिया गया है और जब तक मुझे लास्ट पता था उनकी अब तक कोई खबर नहीं लगी है। आज हम उत्तर प्रदेश से भी 2.5 गुना ज्यादा अपराध लेके देश का नंबर वन अपराध प्रदेश हरियाणा जो है आज बना हुआ है और इसके लिए मौजूदा भाजपा सरकार जिम्मेवार है, जिन्होंने 10 साल में ये हाल कर दिया। इसी हाल को देखते हुए इन्हें अपने मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से लेके सारे मंत्री बदलने पड़े थे, लेकिन मंत्री बदल दिए लेकिन हालात नहीं बदले हैं। आज भी वही अपराध है, वही बेरोजगारी है और वही महिलाएं असुरक्षित हैं और वही संविधान का उल्लंघन हर जगह देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। हमने काफी लगभग शहर को हम कम्प्लीट करने ही वाले हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। हमारा जो प्रोग्राम है वो लोगों को पसंद आया और मैंने दूसरी बात खुशी है कि हमारे इलाका के लोग राहुल गांधी में विश्वास करते हैं, जो राहुल जी कहेंगे करेंगे, जैसे तेलंगाना में और कर्नाटका में किया है। तो नौजवान की शुरुआत है ज़िंदगी में, तो वो कोई ऐसी बात देश में करने वाला नहीं जिससे लगे कि वो झूठ बोल सकता है कभी। इसी तरह रेपुटेशन जो है वो हुड्डा साहब की भी है, जो कहते हैं करते हैं, लोगों के मन में बदलाव है। ऊपर से जो नजर आ जाए BJP का जो 400 पार का नारा है, आप इसका देखोगे, अब देखोगे आप इसका, रोज उनकी पोजिशन ख़राब हो रही है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज नोटिस दे दिया, जो लोगों के मन में था कि मशीनें हैं उनमें गड़बड़ है, तो
उसका समाधान तो सुप्रीम कोर्ट कर देगा, क्योंकि जिसमें जो वोट साथ डलता है उसकी गिनती भी शायद वो अनिवार्य कर दे, तो वो लोगों का भी जो है भ्रम भी दूर होगा और सच्चाई भी सामने आ जाएगी। जो लग रहा है इस सरकार का हाल वही होगा जो शाइनिंग इंडिया का है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी आज जमानत मिली है, इंडिया गठबंधन को इससे कितना फायदा होगा? आखिर कब तक रखेंगे जेलों में लोगों, कब तक रखेंगे? आज पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, प्रेशर है इन पे, राजतंत्र खतरे में है, तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं लोगों, ठेकेदार बैठे हैं बाहर राजतंत्र के भाई, अमेरिका सारे बड़े बड़े कंट्रीज पूरा यूरोप वो नहीं गड़बड़ होने देते और इन्होंने दबाव डाल रखे इनके, इसलिए इनको अकल आ रही है। भाजपा से विधायक हैं सिंगल, वो भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस में टिकट को लेकर मारामारी रहती थी, अब जो है टू लड़की जो है उस पर भाजपा कांग्रेस के नेता चल रहे हैं। क्या कहते हैं? पहले कांग्रेस में तो हमारे यहाँ से छत्ती एप्लीकेशन है, बड़ा बड़ा अब भी मारामारी है, यह है कि जो मेरिट पे आएगा उसी को टिकट मिलेगी। आज पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, चंद्रचूड के जो मैं लोग मैं कहता हूँ हमेशा उसको याद रखेंगे, छोटे छोटे लोगों के जुबान पे है, घर घर में बच्चे बच्चे की चंद्रचूड़। लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार कब तक कांग्रेस घोषित कर सकते हैं? 5-4 दिन, एनी टाइम। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।